एक ओर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बार कहते नहीं थकते कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है और उन्हीं के क्षेत्र में अधिकारी किसान को गोली मारने की धमकी देते हैं। सीहोर जिले के ग्राम पाचौर के किसान ने एसडीओपी प्रकाश मिश्रा को आवेदन देकर तहसीलदार पर आरोप लगाया कि तहसीलदार ने मुझसे कहा कि अगर तू तहसील में दिखा तो तुझे गोली मार दूंगा। दरअसल बार बार आवेदन देने के बाद भी जब किसान अपनी जमीन के टुकड़े का नक्शा कंप्यूटर पर नहीं चढ़वा पाया तो उसने नसुलगंज में कलेक्टर से गुहार लगाई और कलेक्टर के जाने के बाद तहसीलदार ने उस किसान को बुलाकर फटकार लगाई और अपशब्दों का प्रयोग किया। सर, हमने कलेक्टर को आवेदन इस कारण से दिया है, सर हमारा जो नक्शा ऑनलाइन पे चढ़वाना था और रास्ते के उसका आवेदन दिया था कि हमारा रास्ता निकला दीजिए सर उस और नामांतरण के लिए सर उसके रजिस्टर अभी करवाई हमने 25 डिसमिल के उसका नामांतरण करवाना था, उसके लिए आवेदन दिया सर कलेक्टर सर को दे रहे थे। तो तहसीलदार सर ने दबाव डाला हमारे ऊपर। तहसीलदार साहब लखन चौधरी जी थे सर, उनको हमने बोला था तो हमारे कागज लेने के बाद में कि अब तहसील में दिख गया है आज के बाद, उसकी शिकायत की है कलेक्टर सर को, अभी आदेश करा है, आवेदन दिए है और अब यहाँ SDM सर को देना है। थाने में भी शिकायत की थी, कल आवेदन दिए थे वहाँ पर थाने में, इन्हें कागज जेल के रख लिए, बाकी हमारा को भगा दिया कि चलो जाओ, कार्रवाई की नहीं है और कागज को रख के आप मैडम के लिए रख लिए कागज। नसलगंज से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।